सबसे पहले माध्यमिक स्कूल जो शुरू हुई है एंग्लो उर्दू हाई स्कूल सावदा, जिसका मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ। सावदा में एंग्लो उर्दू हाई स्कूल का जो दरख्त, जो पेड़ आज लगा हुआ है, ये अख्तर सेठ ने इसकी बुनियाद डाली। जो जाफर हुसैन के दादा है, बाबू सेठ के वालिद साहब है, इन्होंने इसकी बुनियाद डाली। जब हमारे कुछ लोग इनके पास गए और कहे कि हमारे को स्कूल शुरू करनी है सावदा में, इतना बड़ा शहर है, यहाँ उर्दू माध्यमिक स्कूल नहीं है, सिर्फ प्राइमरी तक महदूद है, तो अख्तर सेठ ने एक बार में हाँ दे दिया और कहा मेरी जहाँ भी जरूरत लगेगी मैं आपके साथ तैयार हूँ। और अख्तर सेठ ने यहाँ तक नहीं, उनको क्लासरूम भी दिए, अपना ऑफिस बना के दिया, मैनेजमेंट को जो खर्चा आया वो दिया। तो इसलिए बताने का मकसद ये नहीं है कि हमको बाबू सेठ की यहाँ तारीफ करनी है या इनकी तारीफ करनी है। जिन लोगों का हमारे समाज पे जैसा एहसान है, उसका एहसान का बदला उनको मिलना चाहिए। अल्लाह ताला जो करेगा अच्छा करेगा। बेटा तू नए से खड़ा हो, अपनी एक नई सोसाइटी तैयार करो और जितना अपने दम है अपने खुद की ताकत पे एक स्कूल खड़ी बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह आज ये जो बच्चे देख रहे हैं आप, आज ये जो डायमंड की बिल्डिंग आप देख रहे हैं, माशाल्लाह इसको महाराष्ट्र से अलग अलग इलाके से लोग देखने के लिए आते हैं। यहाँ किसके ऊपर हमको ताड़ी नहीं करनी है, किसी पे हमको उंगली नहीं उठानी है। अल्लाह ताला जिससे लेता है नसीब से लेता है, जो काम करता है सब अल्लाह ताला ही करता है, अल्लाह उसके रसूल करते हैं, हम कौन होते हैं करने वाले, हमारी क्या मिसाल है, हमारी कोई औकात नहीं है। बस अल्लाह ताला कुछ लोगों को चुन लेता है जिनके थ्रू ये काम होते हैं। सावदा शाखा शहरा मधन एकाच वेळेस दोन सीए तैयार झाले। मित्रांनो फक्त 5 मिनिट जास्त वेळ घेणार नाही, थोडस शांतता। सावदा शाखा शहरामधन दोन सीए तयार झालेले अरबाज भाई आणि जफर। खरं म्हणजे आमच्या ज्या परीक्षा आहेत, एमपीएससी असेल यूपीएससी असेल, पण त्याच्यापेक्षाही कठीण परीक्षा असते यांची सीएची। माझ्या स्वतःच्या घरामध्ये दोन सीए आहेत, माझे दोन भाऊ दोन सीए आहेत, त्यांचेही कष्ट पाहिलेले आहेत, माझ्या कष्टापेक्षाही त्यांचे कष्ट जास्त होते। पण तुमचा एक विषय जरी राहिला तरी तुम्ही मागे येणार। सापशिडी बघितली तुम्ही, सापशिडीचा खेळ असतो, तुम्ही शिडीने वर जाता परंतु सापाच्या तोंडामध्ये जर कधी गेला तर तिथनं परत खाली येतात। तशा प्रकारचा सीएची एक्झाम असते, तशाच प्रकारची आमची एमपीएससी यूपीएससीच्या एक्झाम असतात। कोणतीही परीक्षा असो ती साधी नाही, कारण काय आहे की आपल्या देशात कॉम्पिटिशन खूप वाढलेली आहे, आणि ती कॉम्पिटिशन पार करायची असेल तर आपल्याला शिक्षणाशिवाय पर्याय नाही।